सैमसंग जेड फोल्ड 3 जो कि बहुत ही अच्छा मोबाइल है, साथ ही साथ ये आप लोगों को मोबाइल जो कि फोल्डेबल मोबाइल देखने को मिलता है जो कि आराम से फोल्ड हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा मोबाइल है। साथ ही साथ ये आप लोगों को मोबाइल जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस में देखने को मिलता है, इसका फीचर्स आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इस मोबाइल की फुल रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ इस मोबाइल की बारे में बताऊंगा कि आप लोग को मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के रैम से स्टार्ट करते हैं। तो रैम आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 12 GB का देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। साथ ही साथ इंटरनल स्टोरेज की अब हम बात कर लेते हैं तो वो आप लोग को जो कि 256 GB का देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी कि अगर आप लोग इस मोबाइल में गेम वेम खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। साथ ही साथ गेमिंग प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन 888 जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की बैक कैमरा के बारे में जान लेते हैं तो बैक कैमरा आप लोग को जो कि 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा जो कि ट्रिपल बैक कैमरा होगा जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करके देता है। साथ ही साथ जो कि HDR में भी फ़ोटो क्लिक करके देता है और LED फ्लैशलाइट भी होगा बैक में जो कि बहुत ही अच्छा है। फ्रंट कैमरा की बात करें यानी कि सेल्फी कैमरा, तो वो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है जो कि 10 मेगापिक्सल का होगा, 4 मेगापिक्सल का जो कि डुअल सेल्फी कैमरा होगा जो कि बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करके देता है। साथ ही साथ जो कि 4K वीडियो भी आप लोग इस मोबाइल से शूट कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अब हम इस मोबाइल की बैटरी के बारे में जान लेते तो बैटरी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है जो कि 4400 mAh का जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो कि टाइप सी सपोर्ट करता है चार्जिंग के समय में जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल के फास्ट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, कितना जल्दी फास्ट चार्ज करेगा तो वो आप लोग को 25 वाट से फास्ट चार्ज करके देता है जो कि बहुत ही जल्दी आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा, जो कि 100% सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स में आपका फुल चार्ज कर देगा जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये आप लोग को मोबाइल जो कि 5G देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की जान लेते हैं इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में, तो वो आप लोग को जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि स्नैपड्रैगन 888 का जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। साथ ही साथ आप लोग इस मोबाइल में जो कि 2 SIM 1 SD कार्ड घुसा सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले साइज़ की अब हम बात कर लेते हैं तो वो आप लोग को 7.6 inches का देखने को मिल जाता है जो कि फुल होने के बाद जो कि टैबलेट का साइज हो जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी कि ये मोबाइल आप लोग को मोबाइल टैबलेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले होगा सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ और आप लोग को इस मोबाइल में कोई स्लो टच का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग कितना भी दाम में अगर गेम खेलो तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा जो हाई रेजोल्यूशन के साथ जो कि बहुत अच्छा है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो वो आप लोग को गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाएगा जो कि बोथ साइड होगा, यानी कि फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होगा और बैक में भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होगा। अगर आपका मोबाइल गलती से गिर भी जाए तो आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा जो कि नहीं फटेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो कि साइड माउंट फिंगरप्रिंट भी आप लोग को इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है जो कि बहुत फास्ट है। अब हम इस मोबाइल की स्पीकर के बारे में जान लेते हैं तो वो आप लोग को डुअल स्पीकर देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा स्पीकर है। साथ ही साथ इस मोबाइल की एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो वो आप लोग को एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा खासा है। और इस मोबाइल की अब हम वेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मोबाइल का कितना वेट होगा, कितना भारी होगा। तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा बड़ा मोबाइल है तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा जो कि 271 ग्राम का, फिर भी ठीक ठाक है जो बहुत ही अच्छा है। और इस मोबाइल की अब हम थिकनेस के बारे में बात कर लेते हैं तो वो आप लोगों को बहुत ही पतला देखने को मिलेगा जो कि 6.4 mm का जो कि बहुत ही पतला है। अब हम इस मोबाइल की कलर के बारे में बात कर लेते हैं तो वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा कलर देखने को मिल जाएगा जो कि तीन कलर होगा जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि ब्लैक में होगा, सिल्वर में होगा और ग्रीन कलर में होगा, जो कि इसका लुक डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की हाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मोबाइल का हाइट कितना होगा, तो वो आप लोग को 158.2 mm का देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा हाइट है। साथ ही साथ इस मोबाइल की अब हम विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि चौड़ाई, तो वो आप लोग को 128.1 mm का देखने को मिल जाएगा जो कि फुल आप लोग अगर टैबलेट में कन्वर्ट करोगे तब तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि मोबाइल पतला है, लंबा है और देखने में भी बहुत अच्छा है जो कि बहुत ही अच्छा है।
अब हम इस मोबाइल की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को 1,057,999 का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप लोग खरीदोगे तो बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बॉक्स में तो सबसे पहले एक आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट कवर, एक चार्जर दे दिया जाएगा जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करता है, और USB टाइप सी डाटा केबल भी देखने को मिल जाएगा, और एक पिन दे दिया जाएगा जिसकी वजह से आप अपना सिम को निकाले तो घुसा सकते हो, जो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आप लोग को 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिलेगा, और यही सभी इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और फुल रिव्यू। और अगर आप लोगों को ये मोबाइल खरीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग चाहो तो उधर से भी खरीद सकते हो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।